वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आईजीडीएच वाराणसी एसके भगत सिंह थाना रोहनिया के वर्षिका थाना रविवार को निरीक्षण किया। देखिए, आज हमारी अर्धवार्षिक मुआयना थी यहाँ पे, और जो है जो हमारे नियतन के हिसाब से जो हमारे निर्धारित कोटा के जो है मुआयना है, उसी क्रम में सभी जनपदों में भ्रमण करके वार्षिक निरीक्षण अर्धवार्षिक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है सभी अधिकारियों को द्वारा। सर, यहाँ जो वार्षिक निरीक्षण आप द्वारा किया गया, उसमें क्या पाया गया आप द्वारा? देखिए, ऐसा है कि निरीक्षण में कुछ कमियाँ थीं, जो कमियाँ थी छोटी मोटी, उनको कुछ रजिस्टर्स अप टू डेट नहीं थे और कुछ साफ़ सफाई में कमी है, तो उनको सभी को निर्देशित किया गया। चूँकि निरंतर वीआईपी विजिट्स थी, इनका कहना है कि वीआईपी विजिट्स के वजह से रजिस्टर्स अप टू डेट नहीं हुए हैं और उनको शीघ्र अतिशीघ्र 3 दिन में कर लिया जाएगा, तो उनको 3 दिन का समय दिया गया है और वो जो है सारे रजिस्टर्स अप टू डेट करके दोबारा एसपी साहब को वो सीन कराएंगे। और मुख्य मकसद थाने की रखरखाव की थी, उसको देखने का था। उसके अलावा आने वाले आगामी चुनाव की तैयारियां किस तरह से हैं, सारे रजिस्टर्स जितने अवांछनीय तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं, उनकी सूची बन गई है नहीं बनी है, जो मुख्यालय स्तर से और आयोग स्तर से जो प्रारूप आए हैं उस पर सूचनाएँ सही ढंग से प्रेषित हो रही है नहीं हो रही है, उसमें क्या सुधार हो सकती है, कैसे सकुशल चुनाव अच्छे से संपन्न कराया जा सके, उसकी गहन समीक्षा की गई है और उसमें जो भी कमियां थीं 2-4 दिन में इनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसको ठीक करा लें। वार्षिक निरीक्षण के दौरान सर, आपको सामने व्यापारियों द्वारा जो है परम यहाँ मोहर साहब चौकी के लेकर बात की है? देखिए, वो एक अस्थायी चौकी मोहन सराय में था, क्योंकि आपको आप अवगत हैं कि मोहन सराय में नो बनारस सिटी में नो एंट्री के वजह से काफ़ी जाम हो जाती थी। वहाँ एक अस्थाई चौकी पहले खोली गई थी जो 10-12 साल से कार्यरत थी। यहाँ के कुछ व्यापारियों का कहना था कि इधर के लोगों को दिक्कत हो रही है मोहन सराय जा के चौकी में दरख्वास्त वगैरह देने के लिए, तो उसके संबंध में एसपी साहब को बता दिया गया है, वो समीक्षा कर लेंगे। अगर अस्थाई चौकी की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अब जो है नई बाईपास खुल गई है और अस्थाई चौकी की ज़रूरत नहीं है, तो वो चौकी को तोड़ के उसको थाने में उनके फोर्स को अटैच कर दिया जाए और वहाँ पिकेट और पीआरबी की ड्यूटी लगे। अभी सर, गत माह पूर्व जो है एसपी देहात महोदय अमित वर्मा जी द्वारा उसका वहाँ पे लोकार्पण किया गया है, वो नहीं मौजूद हो पाए थे, एडिशनल एसपी साहब आए थे जो है, उन्होंने उद्घाटन किया था, क्या वो चौकी वगैरह हट जाएगी? नहीं, चौकी नहीं, आप ऐसे समझें कि वो एक अस्थाई चौकी थी जी। अस्थाई चौकी है, अस्थाई चौकी थी सर, उस पर शिलापट लगा था पुलिस चौकी का। आप समझ लें कि कोई भी चौकी जब तक वो शासन के द्वारा स्वीकृत नहीं होती है तो वो अस्थाई चौकी जब जरूरत पड़ती है तो उसको खोल दी जाती है, अब उसके बाद जब जरूरत नहीं होती है तो उसको हटा दी जाती है। तो आप ये समझ लें वहाँ पे कि ये समीक्षा एसपी साहब करेंगे, अगर वहाँ चौकी की आवश्यकता नहीं है तो उसको पिकेट में कन्वर्ट करते हुए और जो है बाकी फोर्स को थाने पर अटैच करते हैं। सर, बेसिकली पर्पस लोकार्पण जो हमारी अर्धवार्षिक मुआयना थी यहाँ और जो है जो हमारे नियतन के हिसाब से जो हमारे निर्धारित कोटा के जो हैं मुआयना है, उसी क्रम में सभी जनपदों में भ्रमण करके वार्षिक निरीक्षण अर्धवार्षिक निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है सभी अधिकारियों के द्वारा। सर, यहाँ जो वार्षिक निरीक्षण आप द्वारा किया गया, उसमें क्या पाया गया आप द्वारा? देखिए, ऐसा है कि निरीक्षण में कुछ कमियाँ थी, जो कमियाँ थी छोटी मोटी, उनको कुछ रजिस्टर्स अप टू डेट नहीं थे और कुछ साफ सफाई में कमी है, तो उनको सभी को निर्देशित किया गया। चूँकि निरंतर वीआईपी विजिट्स थी, इनका कहना है कि वीआईपी विजिट्स के वजह से रजिस्टर्स अप टू डेट नहीं हुए हैं और उनको शीघ्र अतिशीघ्र 3 दिन में कर लिया जाएगा, तो उनको 3 दिन का समय दिया गया है और वो जो है सारे रजिस्टर्स अप टू डेट करके दोबारा एसपी साहब को वो सीन कराएंगे। और
मुख्य मकसद थाने की रखरखाव की थी, उसको देखने का था। उसके अलावा आने वाले आगामी चुनाव की तैयारियां किस तरह से हैं, सारे रजिस्टर्स, जितने अवांछनीय तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं जो चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं, उनकी सूची बन गई है नहीं बनी है, जो मुख्यालय स्तर से और आयोग स्तर से जो प्रारूप आए हैं उस पर सूचनाएँ सही ढंग से प्रेषित हो रही है नहीं हो रही है, उसमें क्या सुधार हो सकती है, कैसे सकुशल चुनाव अच्छे से संपन्न कराया जा सके, उसकी गहन समीक्षा की गई है। और उसमें जो भी कमियां थी दो चार दिन में इनको निर्देशित कर दिया गया है कि वो उसको ठीक करा दें। अस्थाई चौकी मोहन सराय में था, चूँकि आपको आप अवगत हैं कि मोहन सराय में नो बनारस सिटी में नो एंट्री के वजह से काफ़ी जाम हो जाती थी। वहाँ एक अस्थाई चौकी पहले खोली गई थी जो 10-12 साल से कार्यरत थी। यहाँ के कुछ व्यापारियों का कहना था कि इधर के लोगों को दिक्कत हो रही है मोहन सराय जा के चौकी में दरख्वास्त वगैरह देने के लिए, तो उसके संबंध में एसपी साहब को बता दिया गया है, वो समीक्षा कर लेंगे। अगर अस्थाई चौकी की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, चूँकि अब जो है नई बाईपास खुल गई है और अस्थाई चौकी की ज़रूरत नहीं है, तो वो चौकी को तोड़ के उसको थाने में उनके फोर्स को अटैच कर दिया जाए और वहाँ पिकेट और पीआरबी की ड्यूटी लगा दिया जाए। पूर्व जो है एसपी देहात महोदय अमित वर्मा जी द्वारा उसका वहाँ पे लोकार्पण किया गया है, वो नहीं मौजूद हो पाए थे, एडिशनल एसपी साहब आए थे जो है, उन्होंने उद्घाटन किया था, क्या वो चौकी वगैरह हट जाएगी? नहीं, चौकी नहीं, आप ऐसे समझें कि वो एक अस्थाई चौकी थी, अस्थाई चौकी है वहाँ पे आप लगा था पुलिस चौकी। एक मिनट, आप समझ लें कि कोई भी चौकी जब तक वो शासन के द्वारा स्वीकृत नहीं होती है तो वो अस्थाई चौकी जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको खोल दी जाती है, अब उसके बाद जब ज़रूरत नहीं होती है तो उसको हटा दी जाती है। तो आप ये समझ लें वहाँ पे कि ये समीक्षा एसपी साहब करेंगे, अगर वहाँ चौकी की आवश्यकता नहीं है तो उसको पिकेट में कन्वर्ट करते हुए और जो है बाकी फोर्स को थाने पर अटैच करते हैं। बेसिकली पर्पस किसी भी अस्थाई चौकी खोलने का जनता को सहूलियत देने का है। जनता को सहूलियत अगर थाने से ज़्यादा मिल रही है तो वो हमारी प्राथमिकता होगी। धन्यवाद।